مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد

एक बार फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों और अतवार कुरान करीम की अमली तफसीर हैं जो रब ने फरमाया वही महबूब रब ने करके दिखाया ताकि ग़ुलामों के लिए अमल करना आसान हो जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब ने नौ आदतें इख्तियार करने का हुक्म दिया बातिन में इखलास अपनाने का ख़ुशी और नाराज़गी दोनों हालतों में अदल करने का खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में मैंान रवि का और जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ़ कर दूँ और जो मुझसे कता ताल्लुक़ करे मैं उससे सिला रहमी करूँ और जो मुझे महरूम करे मैं उसे, उसे दूँ और मेरी ज़बान गोया हो तो जिक्र इलाही से और बहालत खामोशी मैं आयात कुदरत में गौर वफिक्र करता रहूँ और मुझे देखना बायस इबरत हो इनशा आज के प्रोग्राम में हम हज़ूर अकदस वसलम के अचल अखलाक और बेहतरीन आदात में से सिला रहमी अदलो इंसाफ ई ईफ़ा अहद मखलूक पर शफकत और हसन माशरत के बारे में जानने की सदत हासिल करेंगे आकाय रहामत सल्ह वसम अल्लाह की मखलूक़ पर उसी तरह शफकत फरमाते थे जिस तरह आपका करीम रब आप वसम पर शफी को मेहरबान हैं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम मुबारक में आपकी इस ख़ूबी का जिक्र अपनी रहीमाना सिफ़त के साथ सूरह तौबा आयत नंबर 128 में यूं बयान फरमाया अलई ही मा अनितुम हरी सुनीना रऊफ़ और रहीम आप पर गिरा गुजरता है तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना वो बहुत ख्वाहिशमंद हैं तुम्हारी भलाई के मोमिनों के साथ बड़ी ही मेहरबानी फरमाने वाले और हमेशा रहम फरमाने वाले हैं आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर ममूज़ फरमाया क़ल ला तरण करीम सूर अम्बिया आयत नंबर एक الا सात वामा اور ہم نے और हमने आपको بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے سراپر رحمت بنا کر बस आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम हमेशा मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों कमज़ोरों अमीरों गरीबों यहाँ तक के जानवरों के साथ नहायत रहमोक्रम का मुजाहरा फरमाते और शफकत के साथ पेश आते थे हजरत अनस रज़ी की रिवायत है कि बारगाह रसालत में जब कोई हदिया पेश किया जाता तो अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते कि ये फ़लाँ औरत को पहुंचा दो कि वो हज़रत रज़ी अल्लाह रज़ील्हाँ की सहेली है और उससे बहुत मोहब्बत करती है हज़रत अबू तुफैल रज़ी बताते हैं कि एक दिन हुजूर अलहसलासल्लाम की खिदमत में एक औरत हाज़िर हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एहतराम में खड़े हुए और अपनी चादर बिछाते हुए बार बार फरमाया आराम से बैठो मैंने हाजिरन में से किसी से पूछा कि ये औरत कौन है बस मुझे बताया गया कि ये हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौदाई माँ हज़रत हलीमा रजी हैं। हज़रत अनस रजी अन ने बयान किया कि हजूर असलात वसलाम ने फरमाया जो अपने रिस्क में वसअत और मौत के वक्त में ताख़ीर चाहता है तो वह रहमी किया करे सिला रहमी यानी अजीज़ व अकारब अहबाब पड़ोसियों और आम लोगों से मेल जोल रखना उनके हकूक़ अदा करना उनके साथ अच्छा बर्ताव करना इस्लामी तलीमत का एक हिस्सा है जिस पर अमल करने से मुआरह पुरसकून और पुरान होता है अल्लाह के मुक़दस रसूल अलैहि वसलम तमाम जहानों में सबसे ज़्यादा अमीन सबसे बढ़कर आदिल और पाक दामन और रात बास थे ये वो रोशन हकीकत है कि आप अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मनों ने भी इसका अतराफ़ किया चुनाचे एलान नबूत से कबल तमाम अहल मक् आपको सादक और अमीन के मुहज़स लकब से याद करते थे हज़रत रबी बिन हसैैन रज़ी अन का बयान है कि मक् वालों का इस बात पर इतफ़ाक़ था कि आप वाले वाले आला दर्जे के अमीन और आदिल हैं इसीलिए अलान नबूत से पहले अहल मक् अपने मुकदमत और झगड़ों में आप सल्ला वसलम से फ़ैसला कराया करते थे और आपके तमाम फ़ैसलों को इंतहाई एहतराम के साथ बिला चूँ चरा तस्लीम कर लेते थे और कहा करते थे कि ये अमीन का फ़ैसला हैजूर अकबर सल्ला वसलम किस कदर बुलंद मरतबा आदिल थे इस बारे में बुखारी शरीफी एक रिवायत सबसे बढ़कर शाहिद अदल है ख़ानदान बनी मासूम की एक औरत ने चोरी की क्रैश ने चाहा वो हद से बच जाए उन्होंने हज़रतामा बिन जैद रज़ी आनुमां से गुजारिश की कि वह बाह रसालत में हाजिर होकर सिफारिश करें क्योंकि हज़रत उसामा हजूर वसल्लम के महबूब और नहायत चहीते थे हज़रत उसामा ने हिम्मत की और दरबार में हाज़िर होकर सिफारिश की आकए रहा वसलम ने फरमाया उसामा, तुम सज़ा के मामले में सिफ़ारिश लेकर आए हो तुमसे पहले लोग इसी लिए तबाह हो गए कि वो ग़रीबों पर हज़ जारी करते और अमीरों को माफ़ कर देते थे बखुदा अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्ह वसलम भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देने का हुक्म देता ईफा अहद और वादे की पाबंदी में भी रसूल सल्ला वसलम का खुल के अजीम बेमिसाल है मेरे आकाश अलैहि वसल्लम की जुमला आदात व अतवार अहकाम कुरान के मुताबिक थी कि आपके किसी फेल या अमल का कुरान करीम के खिलाफ होना नामुमकिन था अहद में भी आप, आप वाले वाले की आदत मुबारक ये थी हज़रत अब्दुल्ला बल हमसा रज़ील्न ने बताया है कि मैंने ऐलान नबूत से कबल हज़ूर सलात वसलाम से कुछ खरीदो फ़रोख़ की आपकी कुछ रकम मेरे ज़िम्मे बाकी रह गई मैंने वादा किया अभी उस जगह लेकर आता हूँ घर आकर मैं भूल गया तीन दिन गुजर गए जब रकम लेकर वापस पहुँचा तो मैंने देखा आप जगह इंतज़ार फ़रमा रहे हैं आप सल्हु वसम ने कोई सख्त बात कहे बगैर सिर्फ इतना फरमाया तुमने मुझे मुशक्क़त में डाल दिया मैं तीन दिन से यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ अब्दुल्ला बिन आमिर अन बताते हैं कि एक दिन हुजूर हजूर अल सलात वसलाम हमारे घर रौनक अफरोज़ थे उसी दौरान मेरी माँ ने मुझे कुछ देने के लिए बुलाया आप सल सल्ला वसम ने फ़रमाया तुम इसे क्या देना चाहती हो माँ ने अर्सी मैं उसे खजूरें दूँगी आका सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ने फरमाया अगर तुम इसे कुछ ना देती तो तेरे लिए झूठ लिखा जाता मिल् में कामिल्ला वसम का ये इर्शाद औरतों के लिए नहायत काबिल गौर है कि वो अक्सर लालच देकर बच्चों को बुलाना और उनसे अपनी बात मनमाना चाहती हैं ये भी वईद की एक सूरत है जिसे पूरा करना ज़रूरी है वरना झूठ कराया पाएगा और गुना होगा हजूर अक्दर सलील्हु वसलम अपनी अजवाज मताहरत अपने अहबाब अपने असहाब, रिश्तेदारों पड़ोसियों हर एक के साथ इतनी खुश अखलाक़ी और मलनसारी का बर्ताव फरमाते थे कि उनमें से हर एक आपके अखलाक हसना का गुरवीदा और मदाह था खादम ख़ास हज़रत अनस रज़ी अन का बयान है कि मैंने दस बरस तक सफ़र वतन में हजूर सल्ह वसलम की खिदमत का शर्फ हासिल किया मगर कभी भी हुजूर हजूर अलात वसलाम ने मुझे डांटा ना छिड़का और ना कभी ये फरमाया कि तूने फुला काम क्यों नहीं किया हज़रतश रज़ी अन हाँ कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई खुश अख्लाक नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाब या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जो कोई भी आपको पुकारता तो आप लबाई कह के जवाब देते हजरत जरीर रज़ी अन इर्शाद फरमाते हैं कि मैं जब से मुसलमान हुआ कभी भी हुजूर हज़ूर सलात वसलाम ने मुझे अपने पास आने से नहीं रोका और जिस वक्त भी मुझे देखते तो मुस्कुरा देते और अपने असहाब से खुश तबी भी फरमाते और सबके साथ मिलजुल कर रहते और हर एक से गुफ्तु फरमाते और साहब कराम के बच्चों से भी खुश तबी फरमाते और उन बच्चों को अपनी मुकदस गोद में बिठा लेते नेज़ लॉन्डी गुल और मिसकीन सबकी दावतें कबूल फरमाते और मदीना के इंतहाई हिस्से में रहने वाले मरीजों की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले जाते और उज़र पेश करने वालों के उज़र को कबूल फरमाते आप सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम रोज़ाना अपनी असवाज मताहर से मुलाकात फरमाते और अपनी साहबजादियों के घरों पर भी रौनक अफरोज़ होकर उनकी ख़बरगिरी फरमाते अपने नवासों और नवासियों को भी प्यार शफकत और मोहब्बत से बार बार नवाजते और सबकी दिलजोई करते और बच्चों से भी गुफ्तु फरमाकर उनकी बातचीत से अपना दिल खुश करते और उनका दिल भी बहलाते इसके अलावा अपने पड़ोसियों की भी ख़बर गिरी और उनके साथ भी इंतहाई करीमाना और मुशफाना बर्ताव करते गर्ज यह कि खुश मेरे आका सल्ह वसलम का मामूल थी सिर्फ अजवाज मताहर की ही आप दिलजोई ना फरमाते बल्कि सहबा कराम हती के बच्चों के साथ भी आप मिजा फरमाते थे मरीजों परेशान हाल और अफसरदा लोगों पर बेहद करम फरमाते और उनके कम दूर किया करते थे नासरिनजूर अकदर सल वसम ने अपने तर्ज अमल और सीरत मकट स्टार्ट अपने तर्ज़मल और सीरत मक़दसा से ऐसे इस्लामी मुआरे की तशकील फरमाई अगर आज दुनिया आप सल्ह वसल्लम की सरत मुबारक अमल करने लगे तो तमाम दुनिया में अमन व सुकून मोहब्बत और रहमत का दरिया बहने लगे और सारे आलम से जद्दाल कत्ताल और, और नफाक का ख़ात्मा हो जाए और आलम कायनत अमन व राहत और प्यार मोहब्बत की बहिश बन जाए अल्लाह करीम हमें अपने महबूब सल्हु वसलम की सीरत मक़दसा परमल पैरा होने की तोफ़ी अतः फ़रमाएँ ममा अलैना अल्लाबलाख مولاي يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم